हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ क्लास 10th मैथ्स टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, इन एन एनवेलप देयर आर सम 5 रुपी नोट्स एंड सम 10 रुपी नोट्स। टोटल अमाउंट ऑफ दिस नोट्स टुगेदर इज 350 रुपीस। नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स आर ग्रेटर बाय 10 देन द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपीस एंड 10 रुपी नोट्स। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास एक एनवेलप है जिसमें हमारे पास कुछ 5 रुपीस और कुछ 10 रुपीस के नोट्स है। दोनों का टोटल अमाउंट जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 350 रुपीस हो रहा है। और नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स जो हमें दे रखे हैं वो 10 रुपीस नोट्स से 10 ग्रेटर देन है। तो बताइए नंबर ऑफ 5 रुपीस और 10 रुपीस नोट्स टोटल कितने हैं। तो शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन। जैसा कि हम जानते हैं, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पास टोटल 5 और 10 रुपीस नोट्स हमको फाइंड करना। तो हम पहले सपोज कर लेते हैं लेट नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स बी वाई। ये तो कोई बात सपोज करने की बात करते हैं। कंडीशन नंबर वन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट हमें कंडीशन फर्स्ट दे रखी है, टोटल अमाउंट ऑफ दिस नोट्स टुगेदर इज 350। मतलब 5 रुपीज और 10 रुपीज का टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है, 350। तो 550 नोट्स हमारे पास कितने हैं, एक्स, और 10 रुपी नोट्स कितने वाई। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 350 रुपीज। अब यहां से अगर मैं 5 कॉमन निकालता हूं तो 5 टाइम एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 350। तो यहां पर देखिए हमारे पास एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 350 डिवाइड बाय 5। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 35, तो हमारे पास इक्वेशन मिल जाएगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। दैट इज इक्वेशन नंबर वन। अब बात करते हैं कंडीशन नंबर टू की। कंडीशन टू हमको दे रखा है, कंडीशन टू में हमको दिया हुआ है द नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स आर ग्रेटर बाय 10 देन द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स। मतलब जो नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स है मेरे पास x, वो 10 रुपी नोट्स से 10 ग्रेटर है। तो यहां से मेरे पास इक्वेशन नंबर टू आ जाएगी कि 5 रुपी नोट्स जो है वो 10 रुपी नोट से 10 ग्रेटर है। अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू सेकंड फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। नाउ पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन टू टू इक्वेशन फर्स्ट। टू से हम लोग को वन में रखना है, तो फर्स्ट तो अपनी इक्वेशन टू क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट अपनी क्या थी, x प्लस 2y इक्वल टू 70। x प्लस 2y इज इक्वल टू 70 अपनी इक्वेशन वन है, x प्लस 2y इक्वल टू 70। अब हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है, हमने जो इक्वेशन टू बनाया था उसमें क्या लिखा था कि x इक्वल टू y प्लस 10, तो यहाँ पुट करना x जगह y प्लस 10 रखा, तो y प्लस 10 प्लस 2y इज इक्वल टू 70। तो 3y इज इक्वल टू कितना बचेगा, 70 माइनस 10 60, तो y इज इक्वल टू 60 बाय 3 दैट इज 20। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 20। अब हम इस y को जो के रखेंगे अपन इक्वेशन नंबर वन में, x प्लस 2y इक्वल टू 70, या सेकंड इक्वेशन में रख सकते हो x प्लस 2y प्लस 10 में। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन, पुट y इन इक्वेशन सेकंड। सो यहां पर देखिए x इज इक्वल टू क्या था, y प्लस 10, तो मेरा जो x आएगा वो कितना आ जाएगा, 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 30। सो मेरे पास x आ गया 30 और y कितना आ गया 10। सो 5 रुपी नोट्स, 5 रुपी नोट्स आर 30 एंड 10 रुपी नोट्स आर 20। सो दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।